हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जो आपके लिए आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह पेपर फूड सेफ्टी एग्ज़ाम 2022 का है, जो RPSC के द्वारा 27 जून 2023 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 00 है। आइए जानते हैं इसमें राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। बालन नृत्य, मादल नृत्य, लूर और कूद नृत्य के जनजाति के नृत्य हैं भील जनजाति, गरासिया जनजाति, सहरिया जनजाति या कंजर जनजाति। ऑप्शन दो, गरासिया जनजाति। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ पुस्तक दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक। हम्बी रायण ये पद्म नाभ के द्वारा लिखी गई है। रणमल रो छंद यह श्रीधर व्यास के द्वारा। अचल दास खींची री बचने का चारण शिवदास। राव जयसी रो चंद बीटू सूजा। ऑप्शन एक, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या बागड़ी। ऑप्शन चार, बागड़ी। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से निचला किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? सायरा, रघुनाथगढ़, जरगा या खो। ऑप्शन तीन, जरगा। कौन सा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? रोजा भाकर, झालोरा पहाड़, इसराना भाकर या गोगुंदा। ऑप्शन चार, गोगुंदा। बाकल और सेही धारा के मिलने से जो नदी बनती है कहलाती है? माही नदी, साबरमती नदी, पार्वती नदी या बनास नदी। ऑप्शन दो, साबरमती नदी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उनके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ झीलें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके जिले। नवल का, बूंदी, ताल छापर, चूरू, तालाब शाही, धौलपुर, पचपदरा, बाड़मेर। ऑप्शन एक, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उदयपुर, दौसा, नागौर या चित्तौड़गढ़। ऑप्शन तीन, नागौर।
उदयपुर और कोटा जिलों में अधिकांशतः है कैल्सी ब्राउन मृदा, नवीन भूरी मृदा, पर्वतीय मृदा या लाल दूमर। ऑप्शन 3 पर्वतीय मृदा। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक हो। सीकर, जालौर, झालावाड़, राजसमंद, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, दौसा, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर। ऑप्शन 2 राजसमंद, करौली, धौलपुर। सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के युग्म में पाई जाती है? जयपुर, अलवर, कोटा, जालौर, कोटा, जैसलमेर, जयपुर, सिरोही। ऑप्शन 2 कोटा, जालौर। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता प्रतिशत कोटा में, सबसे कम जालौर में है। सन 2002-03 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया? 20, 15, 32 या 18? ऑप्शन 3 32। यह प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अकाल प्रभावित जिले 2002 और 3 में कितने थे? इसका उत्तर ऑप्शन 3 32। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019 से 2021 के बीच अधिकतम 10% में से वन का विनाश हुआ? सिरोही और जालौर, करौली और भरतपुर, सिरोही और भरतपुर, जालौर और करौली। ऑप्शन 4 जालौर और करौली। राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई? 2011, 2016, 2010 या 2014? ऑप्शन 3 2010। भूकिया, जगपुरा, देलवारा पट्टा जाना जाता है टंगस्टन के भंडार के लिए, सोने के भंडार के लिए, क्वार्ट्ज के भंडार के लिए या मैग्नीज के भंडार के लिए? ऑप्शन 2 सोने के भंडार के लिए। बड़ा बाग जैसलमेर और देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है पवन ऊर्जा परियोजना, बायोगैस ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना या पवन और सौर ऊर्जा परियोजना? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा परियोजना। मेवा टेक्सटाइल मिल स्थित है ब्यावर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा या पाली? ऑप्शन 2 भीलवाड़ा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रीको का कृषि खाद्य फार्म केंद्र है? रीको भरतपुर, उद्योग विहार जैसलमेर, MIA कोटा, बोरानाडा जोधपुर। ऑप्शन 4, बोरानाडा जोधपुर। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नदवाई, नौह, रूपवास या कुमेर? ऑप्शन 2, नौह। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसा प्रदान की गई? 4,500, 5,000, 6,000 या 4,000? ऑप्शन 2, 5,000। जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया? जय नारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्य लाल वर्मा, भोगी लाल पांड्या? ऑप्शन 2, अर्जुन लाल सेठी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ किसान दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके किसान आंदोलन। रूपाजी और कृपाजी, बेंगो किसान आंदोलन, नानक भील एवं देवी लाल गुजर, बीकानेर किसान आंदोलन, नानजी और ठाकरी पटेल, बूंदी किसान आंदोलन, देवा गुजर और भवानी शंकर, सीकर किसान आंदोलन। ऑप्शन 1, रूपा जी और कृपा जी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं, यह सही है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। गोपाल दास, खूबराम, सत्यनारायण, मानमल जैन। इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे? गोपाल ऑप्शन 2, गोपाल दास, खूबराम और सत्यनारायण बीकानेर राजद्रोह और षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे। ऑप्शन 3, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में किसको संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया? अलवर, बांसवाड़ा, उदयपुर या जयपुर? ऑप्शन 3, उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रत्यहार शैली के हैं? चित्तौड़ के किले में स्थित समाधीश्वर मंदिर, गौट मंगलौद का दधीमती माता का मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर या जगत का अंबिका माता का मंदिर? ऑप्शन 1, गौट मंगलौद का दधीमती माता का मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और जगत का अंबिका माता का मंदिर, ये गुर्जर प्रत्यहार शैली में निर्मित हैं। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजा मंडल या आर्य समाज? ऑप्शन 1, भील आंदोलन। गुरु गोविंद के द्वारा ही एक संप सभा की स्थापना 1883 में की गई।
नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है। पिछवाई, रागमाला, बारहमासा या नल दमयंती कथा। ऑप्शन एक पिछवाई। मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्वाद्यंत्र के साथ गोपी चंद, भर्तरी, सुल्तान निहाल दे आदि के ख्याल गाते हैं? जंतर, सारंगी, एकतारा या रावणत्ता। ऑप्शन दो सारंगी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में लोक देवता दे रखे हैं, सूची सेकंड में उनके केंद्र कल्ला जी, रुंडेला, अरबू जी, बैंगटी, पाबू जी, कोलू और गोगा जी ददरेवा इनके प्रमुख केंद्र हैं। ऑप्शन एक राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? पाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी या हरबू जी। ऑप्शन दो मल्लीनाथ जी।